शराबबंदी को लेकर एसीपी लखनऊ पुलिस ने पीएम सीएमओ को किया ट्वीट, बाद में मांगी माफी। नमस्कार दोस्तों, एएसपी लखनऊ पुलिस के अधिकारी अनिल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चालू की गई शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अनिल ने ट्वीट किया, शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो रही है। हालांकि बाद में एसीपी ने अपने ट्वीट पर माफी मांगी। उन्होंने एक ट्वीट और करते हुए कहा, अनजाने में गलत ट्वीट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। एसीपी के ट्वीट को कई लोगों का समर्थन मिला और उसने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। शेख नाम के युवक ने कहा, आखिर इसमें गलत क्या है जो आपको माफी मांगनी पड़ रही है? सर, गलत को गलत ही कहिए, जो डर के मारे सवाल बदल ले वह इंसान नहीं होता। रोहित त्रिवेदी ने ट्वीट कर कहा, आपने कोई गलत बात नहीं बोली है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। 40 दिन जो पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की और अपनी जानें गवाई हैं, पत्थर खाए हैं, उस पर सरकार ने एकदम पानी फेर दिया है। पुलिस कोरोना के मरीजों को पकड़े, पत्थरबाजों को देखे और शराबियों को भी संभाले, हम आपके साथ हैं। वहीं रितेश यादव ने कहा, इतना मजबूर ना हो सर कि आप गलत के सामने झुककर खुद से नजर ना मिला पाएं, आप बिल्कुल सही थे पहले। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में पिछले 45 दिन से लॉकडाउन घोषित किया गया है। सरकार ने तीसरे फेज में लॉकडाउन में शराब बिक्री पर लगी रोक हटा ली है, जिसके चलते सोमवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शरेआम धज्जियां उड़ी, कई जगह शराब खरीदने को लेकर लोग एक दूसरे से भिड़ भी गए। इतना ही नहीं, अगले दिन लोग शराब पीकर जहां तहां रोड पर पड़े दिखाई दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।